चलिए बच्चों, तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, दो टॉपिक या दो लेक्चर में या ढाई लेक्चर में लगभग ये आपका जाएगा और आगे उसके बाद भी आपका काम आएगा। तो अभी मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने बताया था आपको तीन पार्ट, सॉरी दो पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है जिसमें हम सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, और आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जो सेकंड पार्ट होता है उसमें क्या आता है आपका गॉस लॉ आता है, प्लस उसमें फिर क्या आता है आपके कंडक्टर्स आते हैं, इंसुलेटर्स आते हैं, फिर आपका स्पेयर्स आते हैं, अलग अलग तरह के स्पेयर्स होते हैं, उन सबके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आपके सेकेंड पार्ट में। तो अभी फर्स्ट पार्ट अभी थोड़ा सा बचा है, कि फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा है, सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन है, सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स आती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें क्या है आपके डेफिनेशन है। तो ये आपसे डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ठीक है, और इनके सवाल भी बनते हैं। तो अभी हम आज जो स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, आज खत्म नहीं होगा ये, मानो नेक्स्ट क्लास में भी शायद ही खत्म हो, और आपके दो से ढाई लेक्चर तो कम से कम वो लेगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, फोर्स हमने एक ही क्लास में खत्म कर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तीन क्लास या वो भी दो तीन क्लास लगी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल एनर्जी हमने एक ही क्लास में खत्म कर दिया, लेकिन पोटेंशियल हमें लगभग तीन क्लास लगेगा ही लगेगा पढ़ने में। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, चाहे नीट वालों की बात करें, चाहे आईआईटी वालों की बात करें, चाहे नीट वालों की बात करें, चाहे आईआईटी वालों की बात करें, इन दोनों के लिए पोटेंशियल वाला टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर गोइंग ऑन टू द पोटेंशियल, हमने कल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सारी सारी चीजें पढ़ी थी, और उनकी मैंने आपको कुछ मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री भी बताए थे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं उसमें दो तीन सवाल। वो सवाल आते हैं पर्टिकुलरली आईआईटी में, वो सवाल ज्यादा पूछे गए, लेकिन वो नीट में पूछ ले जाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो नीट और आईआईटी दोनों के बच्चे बैठे हैं, तो आपको आईआईटी लेवल की तैयारी करनी है, नीट तो अपने आप निकाल ही लोगे, ठीक है। चलो तो अपन शुरू करते हैं आज का खेला, आज अपन शुरू करते हैं अपना काम जिसका है फिजिक्स नाम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम करेंगे सवाल। चलो अमन जी का है, ये अरे अपनी आवाजें बंद रखो बे वरना मैं कर दूंगा खामोश। ठीक, चलो तो अपन पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सवाल करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबको पता नहीं है साफ साफ अच्छे अच्छे से, उसको तो बोलते हैं कि कुछ हो जाता है, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, नहीं रिकॉर्डिंग तो चालू है, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, चलो बहुत बढ़िया। नमस्कार मुकुल जी सर, वीडियो थोड़ा लग रहा है, लग हो रही है, लैग हो रही है, सॉरी मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, वो थोड़ा सा लैग हो सकती है आज वीडियो, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट के मैं आज थोड़ा सा दूसरे कैमरा का यूज कर रहा हूँ अपना, तो पहली ही वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना तो कर लो, बाकी आपको वीडियो से खास मतलब है नहीं, आपको मतलब होगा किससे, उससे मतलब जो मैं लिखने वाला हूँ। तो अपन पहले पोटेंशियल एनर्जी पे हम क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी पे आपके एक दो सवाल कर लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी पे जो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल आते हैं वो क्या आते हैं, कि भाई आपको क्यूब दे दिया या आपको स्क्वायर दे दिया या ट्रायंगल दे दिया, उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी। तो स्पेशल सवाल बनते हैं, और वो किस पे बनते हैं आपके, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन पे आपके कुछ सवाल बनते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, वो क्या होते हैं। तो इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि पोटेंशियल एनर्जी के सवाल कौन सा होगा, सवाल डायरेक्ट आपके सामने पटक दूं, पहले पढ़ लेते हैं हम कंसेप्ट। तो पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ ये बात जानता है कि एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सारी चीज हमने पढ़ रखी है, सब इतना तो जानते हो। पर हमको जो ये वाली बात है, हमको फिजिक्स में जो सवाल बनते हैं उसमें एनर्जी से मतलब नहीं होता, या टोटल एनर्जी से मतलब नहीं होता, हमको मतलब होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी से मतलब होता है हमको, हमको मतलब होता है आपको मैकेनिकल एनर्जी से। अभी मैकेनिकल एनर्जी नाम की सब चीज क्या होती है, तो उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ME, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं, एक्चुअली वो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, वो आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, वो क्या होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, फिर से वर्क इन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, कि ऐसी कंडीशन क्या होती है, कब आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करवा सकते हो। तो तुम देखो मैकेनिकल एनर्जी के नाम क्या नाम आ रहा है, एक तो सर काइनेटिक एनर्जी का नाम आ रहा है, एक दूसरा नाम आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। जब कल मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझाया, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी
जब भी आप कंसेप्ट यूज करते हो पोटेंशियल एनर्जी का, ये कहाँ यूज करते हो, जब आपका फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स, तुझी को नमस्ते, आपका फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, तभी आप पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर इफ ऑल द फोर्सेस आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, कि मतलब जिस सवाल में सारे के सारे कंजर्वेटिव नेचर के या कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, उस केस में आप क्या बोल सकते हो, कि उस केस में क्या होती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये लाइन फिर से बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम बाद में घुसेंगे, पहले तो हम ये कंसेप्ट सीख रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। तो जब अगर आपके सारे के सारे फोर्स जो होते हैं अगर वो कंजर्वेटिव नेचर के हों या कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अभी कंजर्व्ड होने का मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड होने का मतलब होता है कि बचा रहना, संरक्षण रहना, बचाव करना, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो आप क्या बोलते हो कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, कोई भी दुनिया में कैसा भी हो तो या हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या रोटेटिंग बॉडी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होता है, पर उससे हमें मतलब नहीं है कि हम तो सारी बॉडी लीनियर लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अभी अलग अलग किस में अलग होता है, ग्रेविटी में इसका फॉर्मूला कुछ और होता है, ग्रेविटी में इसका फॉर्मूला होता है, अगर वो नियर टू अर्थ सरफेस है, नियर टू अर्थ सरफेस है तो उसको हम एमजीएच बोल देते हैं, अगर वो फार फ्रॉम अर्थ सरफेस है तो हम माइनस जी एम वन एम टू बाय आर बोलते हैं। दूसरा क्या होती है, स्प्रिंग की वजह से होती है, उस स्प्रिंग की वजह से क्या होती है, हाफ के एक्सपेयर होती है। लेकिन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको कल पढ़ाई थी, और हर बच्चे को उसका फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, और वो क्या होता है आपका के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है। ये फॉर्मूला तो सबको याद है ना, सब कल ही करवाया था फॉर्मूला। तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये मैंने जो पूरा कंसेप्ट आपको समझाया, ये मैंने समझाया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट समझाया, कि अगर आपके सारे के सारे फोर्स या जो भी फोर्स वहां पे लग रहा है अगर वो कंजर्वेटिव नेचर का है, तभी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो, तभी आप ये वाली चीज कर पाओगे। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो अब हमारे सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं, सवाल सुनो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या बनता है, अच्छा सवाल है, लेकिन ये नहीं कहूंगा हार्ड है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। सवाल सुनो, सवाल है कि समझ लो यहाँ पर एक प्लस क्यू वन का चार्ज रखा है, और यहाँ पर ये रेस्ट पर है, मतलब मैंने इसको फिक्स कर रखा है, मतलब ये तो मूव नहीं कर सकता। अब मैंने क्या किया कि एक चार्ज है जो इससे अभी क्यू टू कोई चार्ज है, ये भी प्लस का है, ये इनिशियल पोजिशन है इसकी, कौन सी पोजिशन है, ये इनिशियल पोजिशन है। तो मैं क्या पूछता हूँ, ये इनिशियली यहाँ पर था एंड इट वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस पोजिशन। इस पोजिशन से ये रेस्ट से रिलीज किया गया। रेस्ट से रिलीज करने का क्या तात्पर्य रहा है कि सर उस टाइम पे रेस्ट पे था, यानी उस टाइम पे इसकी स्पीड जीरो थी। अब हर बच्चा यहाँ देखो, मैं पूरी लाइन नहीं लिखवाऊंगा आपको, क्या लाइन क्वेश्चन की वो नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज है जब वो यहाँ से आर वन की दूरी पे होता है, तो मैं इनिशियली उसे रेस्ट पर छोड़ता हूँ। ये आपका फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव मतलब आपने एक बार रख दिया तो इसकी मर्जी कहीं भी जा सकता है। अब इतना दिमाग तो आपके अंदर है कि सर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये प्लस वाला क्यू वन ये तो कहीं मूव करेगा क्योंकि वो तो फिक्स है। जो आपका प्लस क्यू टू है वो आपका दूर भागेगा प्लस क्यू वन से, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा फोर्स होता है, रिपल्सिव होता है। तो सवाल ये बनता है आगे, सवाल क्या बन जाएगा, सिंपल सवाल सुनो, सवाल ये बन जाएगा फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू टू व्हेन इट इज एट, प्रणाम है पीजी कैसे हो आप, व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ आर टू फ्रॉम क्यू वन। सवाल समझ में आया, सवाल वापस सुनो। सवाल क्या है कि मान लीजिए इनिशियली क्या था आपका, सर इनिशियली मेरा एक क्यू वन चार्ज था, उसको मैंने फिक्स करके रखा है, मेरा एक क्यू टू चार्ज है, मैंने उसको कहीं से लेके आया, मैंने वहां पर रख दिया, बस रख दिया, मतलब फ्री टू मूव है, अब कहीं भी जा सकता है वो, रखा तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। मैंने क्या किया, ये इसकी निश्चित पूछते उसके बाद मैंने रख दिया। अब क्या होगा, साफ सीधी बात है कि आपका Q1 Q2 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स मारेगा, उसको दूर भेजेगा।
अब बोल रहे जब ये दूर चला जाएगा यहाँ से किसी आर टू डिस्टेंस पे, कहां से Q1 से आर टू डिस्टेंस चला जाएगा, उस टाइम पे इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना। अरे जब जब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो छोटेगा तो ऐसे भागेगा ना, जब वो भागेगा तो उस टाइम पे जब वो आर टू डिस्टेंस पे होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। सवाल सुनने आया कि नहीं आया? आई होप कि सवाल सुनने आया। चलो मैं करता हूँ सवाल को, आपको नहीं करना है, सुनिए। सवाल अच्छा है, IIT मेंस में सवाल आ चुका है, IIT एडवांस में भी सवाल आ चुका है, और नीट में भी मेरे को चांसेस है कि सवाल आने की गुंजाइश है, आ जाएगा, कोई हार्ड सवाल नहीं है। तो सुनो, सबसे पहले दिमाग लगाना सर इस सवाल को करूंगा कैसे, इसको सवाल देखे फील कैसे है कि सर करूंगा कैसे सवाल को। तो साफ सीधी बात है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सर स्पीड पूछा गया है। अच्छा स्पीड पूछी गई कि मैं से, हाँ स्पीड क्या, अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं स्पीड कहाँ आती है, काइनेटिक एनर्जी में आती है। हाँ सर काइनेटिक एनर्जी में आती है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी? अरे सर पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी, यानी जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का नाम आ रहा है, इसका मतलब वहां पे पक्का किसका नाम आना चाहिए, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी का नाम आना चाहिए। अब मैकेनिकल एनर्जी मैंने अभी क्या पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन क्या उसको लगाने के लिए क्या आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं कैसे टाइप के, कंजर्वेटिव टाइप के? हाँ सर कंजर्वेटिव टाइप के। तो मैं चेक करता हूँ क्या यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा कौन सा फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हर बच्चा बच्चा जानता है लास्ट क्लास से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव होता है। अगर कंजर्वेटिव होता है और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, अगर कंजर्वेटिव लग रहा है तो क्या यहाँ पे मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एम ई इनिशियल इज इक्वल टू एम ई फाइनल, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी का सम क्या होता है सर? एक काम करते हैं मंशु जी, वंस मोर ना एक काम करते हैं, एक बार कर देते हैं, उसके बाद आप ध्यान दो क्या चल रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं वापस रिपीट कर दूंगा, समराइज कर दूंगा क्वेश्चन को। अब सुनो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी पे एक बात ध्यान देना सर, दो पार्टिकल है, इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो, दो पार्टिकल है ना, दोनों पार्टिकल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। जितने भी पार्टिकल आपके सिस्टम में उन सबकी काइनेटिक एनर्जी आपको लेनी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ 1, ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑफ 2 प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये तो दोनों की वजह से होती है, किसी एक की वजह से नहीं होती। इस इक्वल टू यही वाली बात सब कुछ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपका ऑफ 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल ऑफ 2 प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल, ठीक है, वो तो दोनों के लिए एक साथ सेम ही होगी। अब सुनो, अब मैं इसके जब आंसर लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो पहली बात तो बच्चा बच्चा जानता है सर, बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला Q1 क्या है आपका, फिक्स है। Q1 क्या है आपका, इज फिक्स्ड। जब Q1 फिक्स्ड है तो बाद की और एनर्जी, बाद की और इनिशियली फाइनल एनर्जी क्या होगी आपकी, इज फिक्स्ड। इतना तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ आता है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ऑफ 2। क्यों सर? जो आपका सेकंड चार्ज था वो कैसे रिलीज किया था, इट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इट वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से रिलीज किया गया था, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि इसका सिंपल मीनिंग है सर, उसकी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की, और यहाँ पे इसको तो हम लिख देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम हाफ m2 v² लिख देंगे, ठीक है। अब इसको और इसको क्या लिखेंगे, सुनो, जब इनिशियली आपका दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या था, ये Q1 है, ये Q2 है, और डिस्टेंस क्या है r1, तो इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोनों के बीच की, सर वो हो जाएगी आपकी k Q1 Q2 / r। फॉर्मूला तो हर किसी को पता होता है। बाद में क्या बोल रहा है सर, बाद में क्या हो गया कि इनके बीच का डिस्टेंस r2 हो गया, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है, इस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी आपकी k Q1 Q2 / r2 हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब इन दोनों को उठा के मैंने यहाँ पटक दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल फाइनल, बस इसको उठा के जब मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब मुझे बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 / r1 इज इक्वल टू हाफ m2 v² प्लस, ये मान लेता हूँ कि जब आपका r2 पे चला गया होगा तो इसकी स्पीड कुछ v हो गई होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका k Q1 Q2 / r2। अब मुझे निकालना क्या, मुझे तो v निकालना है, तो बच्चा बच्चा इसके बाद तो सॉल्व कर सकता है, कोई बच्चा इसके बाद तो सॉल्व कर पाएगा आराम से। जब मैं यहाँ से v की सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो पहले मैं k1 q2 इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ m2 v² इज इक्वल टू k Q1 Q2 कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बचेगा 1 / r1 माइनस 1 / r2 बचेगा। बस यहाँ से मुझे v निकालना है, तो बच्चा बच्चा आप तो निकाल सकता है यार, v की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपका, यहाँ पे आ जाएगा m2, यहाँ पे आ जाएगा 1 / r1 माइनस 1 / r2,
स्क्वायर था तो मैं पूरे के ऊपर क्या लगा सकता हूँ आपका 1/2 लगा सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बता दो, किसी को डाउट है तो जल्दी बता दो, मैं वापस बता दूंगा। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन कंसेप्ट था एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन इस क्लास का टॉपिक नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एंड एनर्जी जो आपने क्लास 11th का टॉपिक है। तो उसने क्या किया, क्लास 11th के एक टॉपिक को उसने क्लास 12th के एक टॉपिक के साथ कंबाइन कर दिया, और सवाल क्या बन गया, आईआईटी का बन गया। समझ रहे बात को, आईआईटी ने कोई नई खतरनाक चीज नहीं करी, कोई बहुत बड़ी तगड़ी चीज नहीं करी उसने, उसने सिंपल से क्या किया, उसने क्लास 11th का एक टॉपिक उठाया एनर्जी कंजर्वेशन, क्लास 12th का एक टॉपिक उठाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों कंबाइन करके सवाल बना दिया, सवाल किसका बन गया, आईआईटी का, आईआईटी एडवांस सवाल बन गया ऐसे। तो आप बच्चे जो डरते हैं कि आईआईटी एडवांस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, कुछ नहीं होती, बस जो दो अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ मिला दिया क्वेश्चन आसान, एक दो आसान आसान कंसेप्ट को मिला दिया क्वेश्चन बड़ा हो गया। बस जिसको समझ में नहीं आया मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेगा, जैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, आपके दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 जिसका मास M1 है, एक चार्ज है Q2 जिसका मास M2 है, लेकिन आपने Q1 को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, Q2 को हमने फ्री टू मूव है, हमने इनिशियली उसको कहीं से ला के रखा है इस पोजिशन पे R1 एट अ डिस्टेंस फ्रॉम Q1, और यहाँ पे हमने रेस्टेस को छोड़ा। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के, तो साफ सी बात है Q1 जो होगा वो Q2 पे धक्का लगाएगा आपका राइट की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, Q2 इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। तो ये बोलता है कि बताइए आपका जब ऐसे मूव करता जाएगा तो जब R2 डिस्टेंस हो जाएगा Q1 से, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे Q2 की स्पीड कितनी रही होगी। अब उसको निकालने के लिए हमसे पूछा गया, सर स्पीड स्पीड कौन सी एनर्जी से आती है, सर काइनेटिक एनर्जी से आती है, काइनेटिक एनर्जी कहां से आई होगी, सर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये बात भी समझ आती है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी नाम आ रहा है, इसका मतलब पक्का मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कुछ बात हो रही है या नहीं, मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मुझे कुछ करना होगा, लेकिन उसको कंजर्व करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा हो उन दोनों के बीच में वो कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। क्या यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाँ। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हाँ। तो क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी का सम क्या होता है, किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडीज हैं आपकी M1 और M2, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपका जो वन है वो हमेशा फिक्स रहता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में दोनों टाइम जीरो रहेगी, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि उसको हमने रेस्ट से छोड़ा था। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ M2V2। अब बात आती है PE इनिशियल और PE फाइनल क्या लिखे, तो ये वाली चीज तो हमने कल पढ़ाई थी, इसको देख के आप आराम से इन दोनों को पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, बस आपने वैल्यू पुट करी, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्म इन द इन दिस इक्वेशन एंड गेटिंग द आंसर वाला कांसेप्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल, आईआईटी एडवांस का सवाल, लेकिन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है वो अगर समझ में आ गया तो सवाल को बड़े आराम से आप कर सकते हो। आई होप कि हर बच्चे को यहाँ जो बैठा हुआ है उसको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, आया नहीं आया है जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ। ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल भी आईआईटी एडवांस सवाल है, लेकिन आप लोग ऐसे 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 उड़ाओगे ना उसको, बिल्कुल टुकड़ों में उड़ा दोगे सवाल को, टुकड़ों में करना सवाल को, ठीक है टुकड़ों में करोगे तो सवाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है आपका, सुनो सवाल है आपका कि मान लीजिए आपका एक ऐसे एक चार्ज दिया है यहाँ पे क्यू, यहाँ पे Q दिया है और यहाँ पे Q दिया है, साफ साफ देख के अभी पता चल जाएगा कि ये आपका कैसा ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकालना सिखाई थी आपको, हाँ सर बिल्कुल सिखाई थी, ए ए और ए की है, ये क्यू ए क्यू, अभी ये सब क्या है, दिस ऑल, मैं अगर लिखूं यहाँ पे कि क्या है, सवाल में दे रखा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑल दिस चार्जेस आर फ्री टू मूव and the speed of each charge when they form an equilateral triangle of side 2a। ठीक है सवाल सुनो, सवाल क्या पहले सुनो, सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, सवाल को समझते पहले कि इनिशियली क्या है, ये इनिशियल है आपका, ठीक है इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है कि इनिशियल कंडीशन मैंने क्या किया, इनिशियल कंडीशन मैंने क्या किया, आपके तीन चार्जेस को लेके आया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और उनको लाके मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पटक दिया,
उनको लाके मैंने इक्वल ट्रायंगल में पटक दिया, ठीक है। और सबसे सब चार्ज क्या है, फ्री टू मूव, मतलब अगर जैसे मैं उनको छोड़ूंगा, जैसे मैं उनको छोड़ूंगा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैंने रिलीज कराया उनको रेस्ट से, लाके मैंने रखा और यहाँ पे रेस्ट से उनको मैंने रखा है, रिलीज किया रेस्ट से, यहाँ छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो क्या थोड़ी देर बाद की सब सब एक दूसरे फोर्स लगाएंगे ना, अब ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये दूसरे फोर्स लगाएंगे तो ये दूर भागेंगे, ये प्लस क्यू है तो ये भी दूर भागे, सब दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे अभी इनिशियल कंडीशन पे क्या है कि ये आपका ए ए का, अगर ध्यान दो, अगर इनिशियल कंडीशन पे क्या कर रहे हैं, आपका ए ए नाम का ट्रायंगल बना रहे हैं, ए ए साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब ये एक दूसरे से भागेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक चार्ज यहाँ पे आ जाएगा फाइनल कंडीशन में, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, बस इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि सबको सिमेट्रिकल है तो बाद में भी क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएंगे, ठीक है। और सबको सिमेट्रिक होने के फायदा क्या है कि ये भी स्पीड वी से भाग रहा होगा और ये भी स्पीड वी से भाग रहा होगा और ये भी क्या होगा आपका स्पीड वी से ही भाग रहा होगा। पहले ये ए ए पे थे, अभी किस पे है आपका टू ए, टू ए और टू ए पे। तो सवाल आपका यही है कि जब आपके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे टू ए टू ए टू ए का, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी हर चार्ज की। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको हिंट देता हूँ, सवाल आपको करना है, हिंट देता हूँ, सवाल आपको करना है, तो हिंट सुनो। पहली बात तो सबसे पहले बात, जब स्पीड की बात हो रही है और एनर्जी की बात हो रही है, तो उसको मुझे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को मेरे को यहाँ पे दिमाग में लेके आना जरूरी है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ, सीधे सीधे कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इन तीनों चार्जेस के बीच में, वो कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये आप सीधे कर सकते हो। अब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, मुझे क्या करना होगा, फाइनल करना होगा। अब सुनो, इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होता है आपका, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि तीनों क्या है आपके रेस्ट पे थे स्टार्टिंग में, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखोगे, तो मैंने आपको कल ट्राइंगल का सिस्टम ऑफ चार्जेस का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाया था, वो लिखोगे यहाँ पे, ये भी उसी तरह लिखोगे, जब टू ए पे आ जाएंगे तब वो भी लिख पाओगे। यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे तो आप तीनों को लेके चलोगे, हाफ एम वी स्क्वायर एक का है लेकिन यहाँ पे तीन है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर सबका सेम है, तो आप सिंपल थ्री इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिख के यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे थ्री इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे। अब आपका मेन मुद्दा है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल लिखना, उनकी वैल्यू यहाँ पे रखना और उसका आंसर मुझे निकाल के बताओ कि वी की वैल्यू क्या होगी। चलिए आपका काम है इस वी की वैल्यू निकालना। हाँ, तो ये वाली जो चीज लिख दी मैंने पोटेंशियल इनिशियल, ये 3kq स्क्वायर बाय, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज जाके लास्ट क्लास जरूर देखना, अगर मर जाओगे वरना, अगर तुम्हें ये चीज नहीं है, क्योंकि ये चीज तो नीट हो चाहे आईआईटी हो, हर एग्जाम में आती है। फाइनल क्या होगी, वो होगी आपकी 3kq स्क्वायर बाय, बस इसकी जगह पे 2a कर दोगे, तो अब साइड क्या है 2a, कैसे लिखी है प्लीज कल वाली क्लास करो, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है तो, अब बस उठा के यहाँ पे पटक देंगे 3kq स्क्वायर बाय a, ठीक है। देखो ये एक सवाल है, ये अपना ही एक सवाल है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये निकालना पड़ेगा, अब मैं कैसे निकालते हैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाय 2 एम बी स्क्वायर हो जाएगा और फाइनल क्या हो जाएगी आपकी 3 के क्यू स्क्वायर बाय 2 ए हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 3 3 और 3 सब खा जाएंगे एक दूसरे को। अब के क्यू स्क्वायर को तो लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा होगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर बचा है, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन दिख रहा है मुझे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय 2 बचेगा। अरे बहुत सिंपल चीज बनने वाली है, बहुत ही सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई करो, ये आप गारंटी दो मुझे, ठीक है, और मैं फिर आपको गारंटी देता हूँ सिलेक्शन की, तो हर चीज की गारंटी तभी मिलेगी जब आप, तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एम ए आ जाएगा। अब ये स्क्वायर भूल जाते हैं काफी बच्चे जो इंशा जी भूल गई है, ठीक है, तो ये वी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाय एम ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, या 1/2 लगा दो पावर, चाहे कोई जो मन हो बस लगा दो, पर आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि सबको समझ में आया, सबको समझ में आया नहीं आया, अगर किसी से कोई गलती हुई तो उसको गलती भी समझ में आनी चाहिए। मीनू जी क्या है, के क्यू पाई स्क्वायर बाई क्यू एम, क्यू एम पाई स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी से गलती हुई है, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं, गलती करो पर आज करो, ठीक है, आज करो गलती और सुधारो फिर उसको, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाला। चलो कोई नहीं, मीनू जी आपका भी ठीक है, पर आपने कुछ अलग सा लिख दिया आंसर। चलिए बोलो भैया, ये स्क्वायर को मत भूल जाया करो, स्क्वायर भूल जाते हैं बच्चे, मुझे पता है क्या गलती करते हो, इसमें पहले बता दिया आपको। सुनो अब एक सवाल और, बेहतरीन याद रखना, ये सवाल आपका आईटी एडवांस सवाल है,
जिन बच्चों ने कर लिया ना सवाल, वो अपने आपको बहुत खुश मान लो, खुश नसीब मान लो कि तुमने एक बार ये आईआईटी एडवांस सवाल कर रहे हो तुम। चलो एक और सवाल करते हैं आईआईटी का, ठीक है। मैंने फिर से पहले स्टार्टिंग बोल दिया है, कोई मेरे सामने अगर रोया या किसी और के सामने रोया, मनी मन में रोया कि आईआईटी एडवांस सवाल करवा रहे हैं, तो मैं गोली मार दूंगा उसको, ठीक है, मेरे सामने मत आ जाना बस। तो क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है पर इतना हार्ड नहीं है, जो जो समझ में आ जाएगा वो कर लेगा आराम से। अब सुनो होता क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सवाल, इस सवाल में दो सवाल बनते हैं, तो मैं पहले एक सवाल करवाऊँ हार्ड वाला, आसान वाला तुम लोग खुद ही कर लोगे, वो मैं बता दूंगा। और मान लो यहाँ पे आपका क्या रखा है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज रखा है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और मैंने क्या किया है यहाँ से, यहाँ पर मैंने एक स्पीड से छोड़ा, ठीक है, मैंने बोला Q2 इज रिलीज्ड विथ अ स्पीड वी टूवर्ड्स Q1, ठीक है, टूवर्ड्स Q1 मैंने इसको फेंका। अब साफ सीधी बात है, क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सवाल समझो, सवाल क्या है। अब सवाल में तुमसे क्या बोल रहे हो, सवाल तो इतना ही दे देगा तुमसे, जितना मैंने लिख दिया ना, सवाल लिख देगा उसके आगे क्या लिख देगा सुनो, सवाल की लाइन क्या होगी आगे, बस एक चीज और लिख देगा, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, दीज टू चार्जेस। और बहुत बेहतरीन सवाल, आधे बच्चों को समझ नहीं आता क्या क्या पूछा है उसने, पहले ये तो समझाओ पूछा क्या है, बाद में सवाल करेंगे। तो सवाल उसने पूछा है कि मान लीजिए आपके पास में दो चार्जेस हैं, आपका Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, मैंने क्या किया, इनिशियली आपका ये इनिशियल पोजीशन मैंने आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, इनिशियल पोजीशन दे रखी है यहाँ पे मैंने आपको, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे क्या है आपका, इस पॉइंट मैंने इसको छोड़ा है या फेंका है वीट वेलोसिटी से आपके Q1 की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि आपके दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इतना तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इतना तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपका Q1 ऐसे है, Q2 ऐसे, जब इसको पास फेंकूंगा तो दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये आएगा तो इसके पास, अभी आएगा तो इसके पास, लेकिन इस पर फोर्स ऐसे मारेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भाई जैसे आपकी तरफ कोई बंदा धीरे धीरे चल के आ रहा है, है? आप उसको धक्का मारे पीछे की तरफ, लेकिन क्योंकि उसके अंदर स्पीड है तो वो थोड़ी देर तक तो आपके पास आएगी ना, थोड़ी देर तक तो आपके पास आएगी, उसके बाद क्या होगा, अगर आपका फोर्स ज्यादा होता रहा तो वो आप उसको रोक पाओगे, क्योंकि ये जो दूसरा चार्ज है इसके पास आता रहेगा, और जैसे जितना जितना पास आएगा इसकी फोर्स की वैल्यू क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जाके ये रुकेगा, और रुकने के बाद फिर ये पलटी मारेगा, ठीक है, रुकेगा और फिर वापस पीछे की तरफ जाएगा, तो जहां ये रुका होगा क्या वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, आपको वहां पे क्या मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका आर डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। और सवाल क्या है, सवाल यही है कि मिनिमम डिस्टेंस निकालो, बच्चों को समझ नहीं आता क्या पूछा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस वहां मिलेगा, वहां मिलेगा सवाल, अबे हिंदी पढ़नी तो आती ना सबको, अंग्रेजों, मिलेगा जहां पर Q2 पलटी मारेगा, जहां पर Q2 आपकी पलटी मारेगा वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपको मिलेगा मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। और पलटी, जब भी पलटी का कॉन्सेप्ट आया समझ जाना, पलटी की जगह पे वहां पर वेलोसिटी क्या कर दो, जीरो कर दो। पलटी का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, एट दैट मोमेंट या एट दैट इंस्टेंट पे, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब पलटी मारेगा तो गाड़ी गई ऐसे गई और रुकी और फिर पलटी करके पीछे गई, तो उसको हम बोलते हैं आपका पलटी मारना, या उस टाइम पे क्या होगी, वेलोसिटी जीरो। अब सवाल तुम्हें करना है, सवाल क्या है, अब सवाल मैं वापस समझा, क्या हुआ होगा सर, हुआ ये होगा, सवाल इतना ही है, मैं सवाल, अब सवाल को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। सवाल में क्या होगा सर, ये आगे जब गया होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे, और यहां से पलटी मारी होगी, अगर पलटी मारेगा तो डिस्टेंस वापस बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस क्या यहाँ पर मिनिमम मिलेगा, हाँ सर यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका, ये आपका आर मिनिमम है जो मुझे निकालना है, मतलब Q2 जब यहाँ पे आया होगा उस टाइम पे आर मिनिमम होगा, उस टाइम पे Q2 की स्पीड क्या हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी, मतलब सर ये हो जाएगी मेरी इनिशियल पोजिशन और ये हो जाएगी मेरी फाइनल पोजिशन। आप इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी पता है, सब पता है। अच्छा एक चीज और मुझे यहाँ पे देनी चाहिए थी, दी नहीं, जो Q1 है आपका, एक चीज और मुझे यहाँ पे देनी चाहिए थी, जो Q1 है वो आपका फिक्स्ड है, नहीं भी हो फिक्स तो भी आप निकाल सकते हो, पर फिक्स कर लो वरना सवाल को ज्यादा हार्ड हो जाएगा। Q1 जो है आपका फिक्स दे रखा है, तो अगर आपका पास आएगा तो आपको पता है इनिशियल पोजीशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो, फाइनल पे आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, और वहां पोटेंशियल एनर्जी पता है, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी तो आप लिख सकते हो ना आराम से,
दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी पता है, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी पता है, कि आप ये आर मिनिमम नहीं निकाल पाओगे, बस वही करना है। मैं निकाल रहा हूं। अब सुनो, तो मैंने क्या क्या सर, फिर से इस सवाल में मैं क्या कर सकता हूँ आपका, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ। सवाल में मैं क्या कर सकता हूँ आपका, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करता हूँ, ठीक है। जब वो करता हूँ तो मैं क्या लिख पाऊंगा, तो सुनो, बड़े आराम से एक चीज को लिख सकता हूँ, मैं बड़े आराम से एक बात क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है? सर वो कुछ नहीं होता, वो आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल is equal to kinetic energy final plus potential energy final होती है, ठीक है। अब ये सारी बात, अब बस इनकी मैं चीजें लिखता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, सुनो। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था, जब यहाँ पे इनिशियल पोजिशन यहाँ पर है ना, तो उस टाइम पे अरे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, जीरो है। तो मैं सीधे लिखता हूँ यहाँ पे जीरो, एक की हो जाएगी जीरो, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी हाफ, मास लेता हूँ उसका एम ले लेता हूँ, इसका मास मैंने ले लिया एम ले लिया, या एम टू ले लेता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या ले लिया, एम टू ले लिया, इसकी स्पीड क्या दे रखी है, वी स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। ये हो गई दोनों की काइनेटिक एनर्जी। अब पी इनिशियल जब आपका आर डिस्टेंस में था तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू बाय आर हो जाएगा, इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों की जीरो हो जाएगी ना सर, ये तो फिक्स था तो उसकी तो पहले से जीरो है, इसकी क्या होगी, तब जब यहाँ पे पल्टी मारेगा तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, उसकी जीरो हो जाएगी, प्लस इसकी पोटेंशियल फाइनल क्या हो जाएगी, तो सिंपल जब दोनों एक दूसरे के मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो KQ1 Q2 by R मिनिमम आप ले सकते हो। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इस R1 को निकालना, सॉल्व करना, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप, इसको एक बार लिख लेते हैं साफ साफ करके। तो यहाँ पे हाफ एम टू वी स्क्वायर प्लस KQ1 Q2 by R इज इक्वल टू KQ1 Q2 by R मिनिमम, आपको निकालना क्या है आर मिनिमम, मतलब इस आर मिनिमम को उधर लेके जाता हूँ, इस पूरी की पूरी चीज को, इस पूरी की पूरी महाभारत को मैं यहाँ नीचे लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ से आर मिनिमम यहाँ पे ऊपर आएगा, इस इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाय डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे हाफ एम टू वी स्क्वायर प्लस के क्यू वन क्यू टू बाय आर आ जाएगा। क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है भले ही बड़ा निकल के आ रहा हो, तो पर तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे तो ऑप्शन आएंगे ना, तुम तो चिंता कर लो, जल्दी बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, जल्दी बता दो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, मैंने किया है ऐसे पूरा क्वेश्चन, पर समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात वो होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आसान क्वेश्चन है, पर तुम समझ रहे होगे कि आसान बना दिया इसको मैंने, अगर ये कंसेप्ट पता है ना, पल्टी मारने वाला कॉन्सेप्ट, उसने क्या किया सवाल में, उसने तीन कंसेप्ट घुसा दिया आपके साथ में, इस सवाल में तीन कंसेप्ट कहां कहां से है सर, उसने क्या किया पल्टी वाला कॉन्सेप्ट, ये पल्टी वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ये आता है काइनेमेटिक्स से, ये पल्टी वाला कॉन्सेप्ट आता है काइनेमेटिक्स से, जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वर्क एंड एनर्जी में क्या पढ़ते हो आप, वहां पढ़ते हो आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में वहां पढ़ते हो, और तीसरा क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तीसरा क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको उसने पोटेंशियल एनर्जी में या फिर चार्ज में यूज किया है, तो उसने क्या किया इन तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया और एक सवाल बना के आपको समझ दिया, और तीनों के जो सिंपल 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 सवाल है उन तीनों को मिक्स करके सवाल बना दिया, और सवाल क्या बन गया आपका, सवाल बनके तैयार हो गया गर्मा गर्म सवाल, आईआईटी एडवांस तैयार हो गया, पर सवाल में एक्चुअली में है कुछ नहीं, अगर समझ में आता है ना, अगर दिमाग लगाते हो, अगर थोड़ा सा भी मन है पढ़ने का, तो सवाल तो तुमसे आराम से हो जाएगा, उसमें कुछ समझाने वाली बात बहुत बड़ी नहीं थी, बस आपको करना क्या है वही खेल करे जा रहे हैं, तब से हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी करे जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बता दो, आ गया बहुत बढ़िया, चलो आगे। तो प्लीज अपने नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि अगर ये अगर चीजें आपने एक बार नोट्स बना लिए ना वीडियो देख के यूट्यूब से, तो याद रखना ये चीज तुम्हें जीवन भर याद हो जाएगी, और तुम्हें फिर बस रिवीजन करोगे ना तो बड़ा जल्दी याद आएगी, इसलिए अभी जितना टाइम है ना, जितना टाइम है इसको समझने पे ध्यान दो, अभी इस क्लास में ज्यादा लिखने पे ध्यान मत दो, इस क्लास में ज्यादा ये पर ध्यान दो कि मेरे को सवाल आंसर लेके आना चाहिए, कुछ भी होता है कोशिश करो कि सवाल में निकल जाओ, वर्ड को निकालने की कोशिश करो, मेन तो समझने पे क्या क्या कॉन्सेप्ट सर ने समझाए समझाए समझाए। अब क्या होता है ना, बहुत सारे देखो तीन तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक बार मैं सारी चीज समझ में आती है, समझ में तो आ जाएगी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि जब मैं समझाऊंगा ना तो समझ में तो आ जाता है उस टाइम पे, गड़बड़ तब शुरू होगी जब आप खुद से करने बैठोगे, जब आप खुद से करने बैठोगे सवाल को तब से आपसे नहीं होगा, यही सवाल है ना, आप खुद से करके बैठना नहीं होगा आपसे सवाल, क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट आपने ना एक साथ सुन लिए, बस अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई करोगे जब तुम खुद लिखोगे इसको, और उसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कल जब यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी सुबह 10 बजे के आसपास, उस टाइम पे ये वीडियो वापस देखना, वहां पर जो उस टाइम पे जब सवाल तुम्हारे सामने लिख दूंगा ना, तब खुद से करना,
खुद से करने की कोशिश करना, और फिर जब तुम लगे यार मैंने स्टेप पे रुक रहा हूँ, तब वीडियो से वापस कंटिन्यू कर देना, और फिर देखना अच्छा मैं स्टेप पे रुक रहा था। उसके बाद मेरी गारंटी तुम जीवन भर नहीं रुकोगे सवाल पे कभी जीवन भर, क्योंकि एक चीज को अगर आपने 2 से 3 बार देख लिया ना खत्म, एक चीज को आपने अगर आपने 2 से 3 बार देख लिया तो आपसे वो सवाल कभी गलत तो नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। पर ये आपको करना पड़ेगा, और जो करेगा वो पार हो जाएगा, उसको सक्सेस मिल जाएगी। चलो ठीक है, आप समझो ये इस तरह का सवाल एक आपका IIT मेंस में आया था, जो कि आपका नीट में भी आ सकता है, और मेरे ख्याल से शायद नीट में आया है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, पर वो बहुत इजी है, पहले वाले सवाल का ही छोटा वर्जन है वो। ठीक है, सवाल क्या है, सुन लो, सवाल वही है, सेम टू सेम सवाल है, पर उसने सवाल को कुछ चेंज कर दिया। सवाल को क्या किया कि सर यहाँ पे वो Q1 चार्ज है, और आपका सेम सवाल कि यहाँ पे वो R डिस्टेंस पे एक Q2 रखा है, दोनों प्लस चार्जेस है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको, अच्छा सवाल ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे उसको, एक सेकेंड उसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैंने बोला कि जो आपका Q2 है ना वो इनफाइनाइट पे, जो Q2 है इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट से वो स्पीड V से आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट से Q2 चार्ज स्पीड V से आ रहा है। सवाल ये होगा आपके सामने, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ये पिछले वाला ही सवाल एक्चुअली में, लेकिन उसको उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और आसान कर दिया, एक्चुअली में मॉडिफाई मत बोलो उसको, तो और आसान कर दिया उस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका IIT मेंस में आया हुआ है, और कोई सवाल अगर IIT मेंस में आया हुआ है तो उसके चांसेस हैं कि वो आपका नीट में भी आ सकता है, उसमें कोई संभावना नहीं है कि वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो सवाल वही है, बस Q1 यहाँ पे रखा है और आपका R नहीं दे रखा, इस बार इनफाइनाइट पे था, ये इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, इनिशियली पोजिशन आपको दे रखा है। ठीक है, कि अ चार्ज Q2 इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज Q1 एंड इट इज कमिंग विद स्पीड वेलोसिटी V टुवर्ड्स Q1, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, निकालो इसका आंसर। ठीक है, निकालो, तुम लोग आंसर निकालो, देखते हैं कौन सा आंसर निकालता है। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे यहाँ पे जितने ही बच्चे मेरे बैठे हुए, खैर मेरे से पढ़ने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां हैं यहाँ पे, और जो कि अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई लड़कियां आगे बढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे एक बात मुझे बतानी थी, मैंने बहुत पहले एक लड़कियों के बारे में कुछ कुछ बोला भी था। ठीक है, कि लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, लड़कियों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे तो कभी उनको डिमोटिवेट मत करना, ये सारी बातें मैंने लड़कियों के लिए बोली थी। लेकिन आज हमारा एक खास दिन है, लड़कों का एक खास दिन है, तो लड़के आज उसी अजीब चौड़ में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी एक बात सिंपल सी बतानी है। देखो यार लड़कों, ठीक है, तुम लोगों को मुझे कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को बस बताना है। ठीक है, और ये जीवन की सच्चाई है, वो जीवन की सच्चाई ये है कि ना आप लोगों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये लड़कियां भी जानती है, लड़के भी जानते हैं, आपकी कोई लड़ाई का इश्यूज नहीं है। इंडिया सोसाइटी, हम सब जानते हैं कि इंडिया की सोसाइटी कैसी है, इस सोसाइटी में लड़कों के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिजिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पर मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लड़कों के साथ में। ठीक है, वो ये है कि भाई आपको एक सर्टेन, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेंटली और सोशली और फिजिकली लड़कियों से वो ठीक ठाक उसमें है, स्थिति में है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। ठीक है, एक इंडियन सोसाइटी में मान लिया जाता है, जैसे हम अपने पापा मम्मी को भी देखते हुए आ रहे हैं, कि एक लड़की को बाहर से कमा के लाना है, बहुत पैसा कमाना है, फिर घर पर उसको करना है, एक वो मर्दानगी वाली फीलिंग उसको जबरदस्ती दिलाया जाता है कि भाई मैं मर्द कभी रो नहीं सकता या मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये सारे स्टेटमेंट बहुत गलत है। ठीक है, मर्द को उतना ही हक है रोने का जितना हक एक औरत को होता है। ठीक है, क्योंकि दर्द तो उसको भी होता है। ठीक है, ये जबरदस्ती की बातें ना जोड़ी जाए कि भाई आप किसी को भी बहकाने के लिए कुछ बोले जा रहे हो। ठीक है, दर्द दिखाना कोई आपकी कमी कमजोरी नहीं है। ठीक है, खूब रो, खूब हंसो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर बन जाओ। दर्द कमजोर नहीं करना चाहिए, उस दर्द से आपको ताकतवर बनना। ठीक है, देखो मैं भी आदमी हूँ और हम जानते हैं कि सोसाइटी में हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है यार, मतलब घरों में, ठीक है, ये मानते हैं कि घरों में जब लड़का पैदा होता है तो घर वाले खुश होते हैं, वो खुश क्यों होते हैं ये भी तो सोचो। वो खुश इसलिए नहीं होते कि भाई लड़का है कुछ और ऐसा होगा, वो खुश इसलिए होते हैं कि लड़का है बड़े होके हमारा ख्याल रखेगा, लड़का है बड़े होके हमारे लिए बहू लेके आएगा, लड़का है बड़े होके हमारा ख्याल रखेगा, हमें पैसे लेके आएगा, कुछ घर को चलाएगा। ये सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है लड़के के साथ में। खुशी होना एक अलग बात है कि लड़का पैदा हुआ, खुशी हुई है, वो सब, उसका रीजन क्या है वो भी तो सोचो। तो आप पैदा होते ही है ना, आपके ऊपर एक बहुत एक्सपेक्टेशन लोड आ चुका है,
और इस लोड को चुकाने वाला कोई और नहीं है, उस लोड को चुकाने वाला कोई और नहीं, वो सिर्फ आप ही हो। ठीक है, कोई और नहीं आएगा कि भाई हाँ ये तो लड़का है तो है, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप जज किए जाओगे उस चीज से। अगर आप अपनी फैमिली को खिला नहीं पा रहे हो, जैसे कि इंडियन सोसाइटी, अगर आप घर में सो कॉल्ड, मतलब मैं किसी को एलिगेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप किसी लड़की को खिला नहीं पा रहे हो, अपनी बीवी बच्चों को खिला नहीं पा रहे हो, तो आपकी सीधी सीधी मर्दानगी पे निशाने आ जाते हैं। ठीक है, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ऐसी सोसाइटी है, काम करना पड़ेगा, या तो लड़ो या मरो वाली स्थिति है। ठीक है, और कभी अपने आप को कमजोर मत समझना यार। ठीक है, कभी अपने आप को ये मत एहसास दिलाना कि यार हम मर्द हैं तो हम रो नहीं सकते, हम मतलब किसी की लड़की के आगे झुक नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। और ये मर्द शब्द का इस्तेमाल भी बंद कर दो यार, ये मर्द शब्द सुनना ही मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मर्द शब्द भी मुझे अच्छे नहीं लगता। ठीक है, आदमी बनो यार। ठीक है, इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे आदमी बनो। ठीक है, क्योंकि मर्द को हर चीज को स्ट्रेंथ के साथ जुड़ दिया जाता है, और स्ट्रेंथ निशानी नहीं होती आदमी की, आदमी की निशानी होती है कि वो कितना मैच्योर है, वो कितना सोसाइटी के लिए कर रहा है। ठीक है, वो बनो, एक अच्छे आदमी बनो। ठीक है, एक अच्छे आदमी बनो और खुद से बनो, ये नहीं कि तुम दूसरों में कमियां निकालो कि वो ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे है। खुद अच्छे आदमी बनोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा समाज भी तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हैप्पी मेंस डे टू एवरीवन जो भी यहाँ पे है, और लड़कों को भी और लड़कियों को भी। ठीक है, उनके घरों में बहुत सारे आदमी रहते हैं तो वो भी उस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलो वापस लौट के आते हैं, बहुत ज्ञान हो गया अपना। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल दिया था, बाकी लड़कों को इतना ज्यादा, अमन जी भी लड़के, सॉरी अमन जी आंसर निकाल रहे, 2K2/MV2, वेरी गुड। तो चलो सवाल में करना क्या है, सवाल में कुछ नहीं करना सर, हमको करना क्या है, वापस से एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी अगर हम कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बारी सेम टू सेम कहानी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, वो सेम कहानी क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब ये सवाल आसान क्यों है वो यहाँ समझाएगा कि मैंने Q1 को मैंने बताया नहीं, यहाँ पे बताना चाहिए कि फिक्स है आपका। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका इसकी वेलोसिटी जीरो है क्योंकि Q1 आपका फिक्स है, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, तो हम इसका क्या लिखेंगे आपका सिंपल हाफ m2v² लिख देंगे यहाँ पे प्लस p। अब इनिशियल पोटेंशियल सुनो तो सर, अगर ये इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होती है बच्चों, जीरो होती है ना, फॉर्मुले से भी निकाल सकते हो, या फिर हमने बताया कि इनफाइनाइट पे आपकी जीरो होती है। फाइनल क्या हो जाएगी सर, फाइनल भी जीरो हो जाएगी, पलटी दोनों की जीरो हो जाएगी क्योंकि ये तो फिक्स है और दूसरा क्या है पल्टी मार रहा है, पल्टी मार रहा है ना मिनिमम डिस्टेंस के लिए, क्या मतलब होता है पल्टी मारनी पड़ेगी, पल्टी पे आपकी स्पीड क्या होती है आपकी जीरो हो जाती है। प्लस जब इसके बहुत करीब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर मिनिमम हो जाएगा। ये सारी चीज मैं दिखा नहीं रहा हूँ डायग्राम में, लेकिन आपको समझ में आ रही हो क्योंकि मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ। बस बहुत सिंपल सा फॉर्मुला आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा, हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर मिनिमम। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये सवाल आपके IIT मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, क्योंकि आंसर बहुत जल्दी आ सकता है इसका। यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, इज इक्वल टू m टू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये आंसर निकल के आएंगे बच्चों के, m टू वी स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा और बच्चों ने निकाल भी लिया। आई होप कि सबको समझ में आ भी गया होगा। अबे आ रहा है ना, ठीक है चलो, इतना पढ़ लिया अपन ने आज क्लास में, टाइम बहुत ज्यादा लग गया उनको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन मुझे लग रहा है अभी नाश चालू किया जाएगा क्योंकि अभी चालू कर देंगे तो फिर वो खत्म नहीं होगा, उसमें बहुत सी चीज पता नहीं मुझे पड़ेगी, एक साथ उसमें चलेंगे, एक साथ फ्लो में चलेंगे। आज सवाल कर लिए, प्लीज आप जाके सवालों को जरूर लगाएं। ठीक है, और पढ़ने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी एंड वीडियो उस पर करता हूँ हैप्पी मेंस डे पे। ठीक है, जागते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, सबसे बड़ी बात है जिंदगी में खुश रहना है। जिंदगी में कुछ भी हो तुम्हारे साथ में, कुछ भी हो तुम्हारे साथ जिंदगी में, चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए, तुम कुछ भी हो जाए। ठीक है, देखो बहुत दुनिया में बहुत लोगों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग गरीब हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस लॉकडाउन में, तो क्या क्या हुआ है। एक चीज हमेशा याद रखना, खुश रहना, क्योंकि एक बात याद रखो, अगर आप दुखी हो ना, एक कंसेप्ट है लाइफ का जो मैं बहुत मानता हूँ कि जो दुखी सुखी या खुश रहना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कि भाई कलयुग क्यों है, क्योंकि कभी सत्ययुग रहा होगा। ठीक है, अब बुरी चीज क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ दुनिया में अच्छा होगा। तुम्हें कोई खाना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि कोई खाना बुरा होगा। तो अगर तुम इस टाइम पे दुखी चल रहे हो ना, तो समझ लो ये टाइम खत्म होते ही तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है। तो बात बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो वो टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम कितना जल्दी आएगा या कितना लेट आएगा, ये तुम्हारे हाथ में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि वो टाइम कितना जल्दी आने वाला है, कितना लेट आने वाला है,
ये सारा का सारा मैटर है टाइम। देखो पहली बात तो अगर तुम्हारा एक खराब टाइम चल रहा है, मेरी गारंटी है, लिख के लो एक ना एक टाइम तुम्हारा अच्छा आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो कब आएगा ये तुम्हारे हाथ में। तुम एक साल में IIT में या मेडिकल में सिलेक्ट होते हो, तुम 2 साल में सिलेक्ट होते हो, तुम 3 साल में सिलेक्ट होते हो, ये तुम्हारे हाथ में। एक साल में सिलेक्ट होगे जल्दी अच्छा टाइम आ जाएगा, 2 साल में सिलेक्ट होगे मॉडरेट टाइम में सिलेक्ट हो अच्छी खुशी आ जाएगी, 3 साल में 4 साल में फिर तुम्हारा टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन आएगा जरूर वो मोमेंट। मेहनत करते जाओगे तो पक्का तुम सक्सेसफुल तो होगे, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत तुम्हें बताती है कि तुम क्या करो। तो एक पहली बात तो खुश रहा करो, और एक लाइन को मैं और बहुत अच्छा मानता हूँ, ठीक है, कि हमेशा मुस्कुराते रहो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना खुश रहने से आपकी तबीयत अच्छी रहती है, तो हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराने से खुश रहने से तबीयत अच्छी रहती है, कम से कम आपकी नहीं तो उनकी जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुश रहोगे तो आपकी तबीयत अच्छी रहे ना रहे, कम से कम उन लोगों की तबीयत बहुत अच्छी रहेगी जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, जो आपको पसंद करते हैं। तो अपने लिए नहीं, उनके लिए खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हें खुश देखे दुनिया के बहुत सारे लोग खुश रहेंगे। चलो इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो टाटा, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। इंशा जी आप मुझे कॉल करो, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है ना पढ़ने में तो मुझे कॉल करके बताओ, आपसे बात करते हैं वहां पर। चलिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।